हेलो गाइस, वेलकम बैक टू होम शिप। तो कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का हमारे होम शिप चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, जैसे आप लोग अभी वीडियो में देख सकते हो, मैंने यहाँ पे खोपरा बर्फी बनाई हुई है। खोपरा बर्फी आज हम लोग आज इस वीडियो में बनाएंगे। तो इस खोपरा बर्फी को होम पे कैसे बनाना है, इसके जो जो इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे, उसकी जो रेसिपी है, मैं अभी आपको यहाँ से आगे बताऊँगा। गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने दो नारियल लिए हुए हैं। इन दोनों नारियल को हमें क्या करना है, अच्छे से छील लेना है और उसको फोड़ के अच्छे से इसका जो पानी है उसको एक अलग से एक बाउल में हमें निकाल लेना है। और उसके बाद जो नारियल का खोपरा बचेगा गाइस, उसको अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे घिस लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने ना ही एकदम बारीक और ना ही मोटा मोटा, इसको मीडियम साइज में जो मैंने अच्छे से घिस लिया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद जो है गाइस, एक पतीली के अंदर हमें मीडियम फ्लेम पे जो है 2 टीस्पून जो है घी डाल लेना है। और उस 2 टीस्पून अच्छे से पिघल जाने के बाद जो हमारा खोपरा हमने घिस लिया है, उस सारा खोपरा जो है इसके अंदर हमें ऐड कर लेना है। तो गाइस, खोपरा ऐड करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो पानी पीने के लिए हम घर पे एक बड़ा ग्लास जो यूज़ करते हैं, उस ग्लास के साइज से मैंने एक फुल ग्लास जो है शुगर डाली है। और उसके बाद 1/4 कप जो है मैंने यहाँ पे दूध लिया है। यहाँ पे ठंडा दूध मैंने यूज़ किया है, आप भी ठंडा दूध ही यूज़ कीजिए। अब शुगर और मिल्क जो है और खोपरा, इन तीनों को जो अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। गाइस, खोपरा बर्फी बनाते वक्त आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब तक कि खोपरा बर्फी का जो एक मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं, जब तक अपने एंड स्टेज तक नहीं आ जाता, तब तक आपको इसको कंटिन्यू जो है मिक्स करते रहना है। गाइस, यहाँ पे मैं फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। गाइस, खोपरा बर्फी के अंदर अभी क्या होगा, थोड़ी देर के अंदर इसके अंदर से खोपरे का और शुगर का जो है पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसका वाटर कंटेंट जो है बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो है ये अच्छे से जो है एकदम स्पंजी बन जाएगा। अब जाके हमारी खोपरा बर्फी जो है बनके रेडी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग अभी देख सकते हो, यहाँ पे कम से कम मैंने 15 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर का वाटर कंटेंट जो है गाइस अभी बाहर निकल रहा है। इसके बाद भी हमें कंटिन्यूसली इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक मिक्स करना है और उसके बाद हमारी खोपरा बर्फी यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, शुगर जो इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है गाइस, और दूध का कंटेंट भी यहाँ पे कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। सो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर का पानी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इस स्टेज पे जो है गाइज, मैं इसके अंदर 2 इलायची ऐड कर रहा हूँ टेस्ट के लिए। यहाँ पे आप इलायची की जगह पे चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो, और उसके अलावा आप लोग मैंगो भी ऐड कर सकते हो। अगर आम का सीजन है तो आप इसके अंदर मैंगो फ्लेवर भी ऐड कर सकते हो गाइज, उससे क्या होगा, इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा और एकदम लज्जतदार आ जाएगा गाइज। गाइज, यहाँ पे इलायची को ऐड करने के बाद मैंने इसको और 15 मिनट्स तक अच्छे से मिक्स किया है। अब इसके बाद ही स्टेज पे जो है हमारी यहाँ पे खोपरा बनके रेडी हो चुकी है। सो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक मैंने बर्तन लिया हुआ है, उस बर्तन के अंदर अभी मैंने अच्छे से जो है घी लगाया गाइज। अब इस घी को लगाने के बाद हम इसके अंदर हमारा खोपरा का जो इन्ग्रीडियंट हमने बनाया बर्फी के लिए, उसको यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे। अभी गाइज, यहाँ पे मैं खोपरा बर्फी का जो इंग्रेडिएंट है उसको मैं अच्छे से अलग से पतीली में यहाँ पे बर्तन में निकाल ले रहा हूँ। गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पूरा जो हम यहाँ पे एक अलग से जो बर्तन में निकाल के लेना है। गाइज, अब जो यहाँ पे मैंने पूरा जो खोपरा बर्फी का इंग्रेडिएंट था उसको अलग से एक बर्तन में निकाल लिया है। इसको अभी क्या करना है गाइज, हमें कम से कम आधा घंटा तो ऐसे ही छोड़ देना है गाइज। इसको आप कवर मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, ऐसे ही इसको जो है किचन में अपने रख दीजिए गाइज, और आधे घंटे के बाद जो है हमारी खोपरा बर्फी जो है बन के रेडी हो जाएगी। गाइस, सिर्फ आधा घंटा जो है बाहर रखने के बाद यहाँ पे हमारी खोपरा बर्फी जो है थिक एकदम घट जो है बन के रेडी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे एक चाकू का इस्तेमाल करके हमारी खोपरा बर्फी को जो अच्छे से बर्फी के शेप में यहाँ पे कट कर लिया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो। गाइस, यहाँ पे हमारी खोपरा बर्फी जो अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है, अब इसको हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। सो ऐसे ही फूड की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। अगर आपने यहाँ तक पूरा फुल वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइज, चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे नया नया कंटेंट जो है आप कमेंट में बता सकते हो।